हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको 10 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का आंसर देते हैं जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, कब्रिस्तान के पास कौन सा पेड़ लगाया जाता है? हमारा ऑप्शन है ए इमली का, बी आम का, सी जामुन का, डी नारियल का। दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इमली का। दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न है, किस फल को अमृत के नाम से जानते हैं? हमारा ऑप्शन है ए जामुन को, बी अमरूद को, सी आम को, डी नारियल को। दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अमरूद को। दोस्तों, हमारा तीसरा प्रश्न है, किस देश में एक भी खेती नहीं होती है? हमारा ऑप्शन है ए सऊदी अरब, बी जापान, सी सिंगापुर, डी चीन। दोस्तों, किसी भी प्रश्न का आंसर आपको पहले से पता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सिंगापुर। दोस्तों, हमारा चौथा प्रश्न है, गन्ना की खेती भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? हमारा ऑप्शन है ए बिहार, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश। दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। दोस्तों, हमारा पांचवा प्रश्न है, किस देश में बिल्ली की हत्या कर देने पर मौत की सज़ा दी जाती है? हमारा ऑप्शन है ए भारत में, बी मिस्र में, सी इंग्लैंड में, डी जापान में। दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मिस्र में। दोस्तों, हमारा छठा प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? हमारा ऑप्शन है ए राहुल, बी सिद्धार्थ, सी देवदत्त, डी आकाश। दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए राहुल। दोस्तों, हमारा सातवां प्रश्न है, किस देश में कपड़े पर अखबार छपता है? हमारा ऑप्शन है ए आइसलैंड में, बी ऑस्ट्रेलिया में, सी स्पेन में, डी चीन में। दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी स्पेन में। दोस्तों, हमारा आठवां प्रश्न है, विश्व में सबसे पहले किस देश ने राष्ट्रगान प्रारंभ किया था? हमारा ऑप्शन है ए भारत, बी जापान, सी रूस, डी पाकिस्तान। दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जापान। दोस्तों, हमारा नौवां प्रश्न है, किस जीव के पास फेफड़े नहीं होते हैं? हमारा ऑप्शन है ए चींटी, बी मछली, सी सांप, डी चमगादड़। दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए चींटी। दोस्तों, हमारा दसवां प्रश्न है, इंसान को एक दिन में कितना लीटर पानी पीना चाहिए? हमारा ऑप्शन है ए 10 लीटर, बी 8 लीटर, सी 12 लीटर, डी 18 लीटर। दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 8 लीटर। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट में लिखना है। हमारा प्रश्न है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू दोस्तों।